हे गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनेरी पलटन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुनेरी पलटन से कौन से 7 प्लेयर्स हैं जिन्हें ऑक्शन में यहां पे टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं पुनेरी पलटन पे। तो इसके बाद मेरे हिसाब से एक टीम का और बाकी है, तामिल थलेवास का, वो अगला वीडियो होगा। और मैंने सब कवर वैसे ही कर दिया है, ऑक्शन टारगेट का वीडियोज और प्लेलिस्ट यहां आपको दिख रहा होगा। आई बटन पे आप प्रेस करके सारे टीम्स का वीडियो देख सकते हो। तो आप सबको मालूम है कि पुनेरी पलटन की टीम इस सीजन क्वालिफाई हुई थी यंगस्टर्स के दम पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ प्रोबेबल रिटेंशन के बारे में कि कौन कौन से प्लेयर ऑक्शन से पहले रिटेन हो सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, असलम इनामदार, मोहित गोयत, सोमवीर गुलिया, विशाल भारद्वाज, अभिनेश नदराजन और नितिन तोमर, ये जो 6 प्लेयर्स हैं इन्हें पुनेरी पलटन रिटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि नंबर 4 और नंबर 6 विशाल भारद्वाज और नितिन तोमर, इन दोनों के बगल में मैंने एक एस्ट्रिक का सिंबल बनाया। और मैंने पहले ब्रोज में कहा है कि इसका मतलब ये होता है, सिंबल का मतलब मैंने यहाँ जो बनाया है, इसका मतलब ये है कि ये प्लेयर्स ऑक्शन में भी जा सकते हैं और रिटेन भी हो सकते हैं। तो अभी तक हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं इन प्लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पुनेरी पलटन सबसे पहले किन्हें टारगेट करेंगे ऑक्शन में। तो सबसे पहले प्लेयर जिन्हें पुनेरी पलटन की टीम यहाँ पे ऑक्शन में टारगेट कर सकती है, तो आप स्क्रीन पे नाम देख सकते हो, यहाँ पे नाम निकल के आता है सुकेश हेगड़े का। जी हाँ दोस्तों, सुकेश हेगड़े को टारगेट कर सकते हैं। जैसे हम सबको मालूम है कि लास्ट सीजन सुकेश हेगड़े को रिटेन करा गया था बीएम कार्ड यूज़ करके, लेकिन लास्ट ईयर बंगाल वॉरियर्स के लिए उतना अच्छा नहीं खेल पाए सुकेश हेगड़े। अब बात करते हैं पुनेरी पलटन के बारे में। तो अगर आप असलम और मोहित जो कि रिटेन होने वाले, तो आप इन्हें एज अ थर्ड रेडर यहाँ पे रिटेन मतलब ऑक्शन में खरीद सकते हैं और सुकेश हेगड़े को आप एज अ कैप्टन भी इलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पुनेरी पलटन एज अ एक्सपीरियंस यहाँ पे सुकेश हेगड़े के पीछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम दूसरी प्लेयर के बारे में। तो सुकेश हेगड़े हमारे पहले प्लेयर है। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर, यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन पे नाम निकल के आता है जीबी मोरे का। जीबी मोरे जो कि पहले भी पुनेरी पलटन के लिए खेल चुके हैं, लास्ट सीजन यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स में थे, बहुत अच्छा तो नहीं एवरेज परफॉर्मेंस किया है जीबी मोरे ने, लेकिन कुछ सालों से पहले बात करा जाए तो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखा था सीजन 8 में। तो जीबी मोरे के चांसेस थोड़े फिर भी कम रहेंगे रिटेन होने के, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं बेंगलुरु बुल्स के। तो अगर जीबी मोरे यहाँ पे रिटेन नहीं होते तो पुनेरी पलटन एज अ ऑलराउंडर इन्हें खरीद सकता है, क्योंकि पुनेरी पलटन को ऑलराउंडर की बहुत ज़रूरत है और यहाँ पे जीबी मोरे अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अगले प्लेयर आप देख सकते हो नाम निकल के आता है संकेत सावंत का। संकेत सावंत जो कि लास्ट ईयर भी पुनेरी पलटन के टीम में थे सीजन 8 में, और इनको अगर ऑक्शन के बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो अगर इन्हें रिलीज भी कर देते हैं तब भी ऑक्शन में पुनेरी पलटन खरीद सकती है इन्हें, या फिर एबीएम कार्ड यूज़ करके अगर मेगा ऑक्शन होता है, वरना ऐसे भी यहाँ पे बिड करके खरीद सकती है। तो मेरे हिसाब से संकेत सावंत के पीछे पुनेरी पलटन को वापस जाना चाहिए, एक अच्छे प्लेयर है और राइट कवर अच्छा खेलते हैं, लेफ्ट कवर है बेसिकली, और मेरे हिसाब से इनके पीछे वापस पुनेरी पलटन जा सकती है। अब बात करते हैं अगले प्लेयर, नाम आता है मोहम्मद मलक का। मोहम्मद मलक लास्ट सीजन दबंग दिल्ली के टीम में थे, एक अच्छे लेफ्ट कॉर्नर है, जरूर मौके उतने नहीं दिए गए, सब्सटीट्यूशन में मौके दिए और जितना सब्सटीट्यूशन में मौका मिला इन्होंने फ़ायदा उठाया अपने मौके का, अपॉर्चुनिटीज़ का, और मेरे हिसाब से इनके पीछे जा सकता है। क्योंकि अगर आप विशाल भारद्वाज को रिटेन कर देते हो तब भी आपको एज अ बैकअप प्लेयर चाहिए लेफ्ट कॉर्नर में, तो मेरे हिसाब से मोहम्मद मलक वो ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के प्लेयर्स के पास बहुत ज़्यादा एजिलिटी और स्पीड होता है, तो डेफिनेटली इनके पीछे एज अ बैकअप ऑप्शन जा सकते हैं। अगले प्लेयर आप देख सकते हो नाम निकल के आता है राकेश गौड़ा का। राकेश गौड़ा जो कि लास्ट ईयर सीजन 8 में तेलुगु टाइटन्स की टीम में थे, उतना अच्छा नहीं खेल पाए, एवरेज परफॉर्मेंस किया, और मेरे हिसाब से राकेश गौड़ा को शायद रिलीज़ करेगा तेलुगु, ऐसा अपडेट आ रहा है। और अगर रिलीज़ होते हैं तो डेफिनेटली पुनेरी पलटन इन्हें एज अ बैकअप खिला सकता है, मतलब डू और डाई रेट में, या फिर बेंच ही कर सकता है पहले कुछ मैचेज में, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो राकेश गौड़ा को ला सकता है स्टार्टिंग 7 में, अगर यहाँ पर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो। अब बात करते हैं अगले प्लेयर के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर नाम निकल के आता है मोहम्मद तगी महाली का। ये जो मोहम्मद तगी महाली है सीजन 8 सीजन 7 में 2 साल से यूपी योद्धा के टीम में खेल रहे हैं, और लास्ट सीजन मैंने इनका एक रेट देखा था, बहुत कमाल का रेट किया था इन्होंने एक रेट में, मुझे याद है बहुत अच्छा इनका फुटवर्क लगा मुझे, और फुटवर्क और मतलब सब कुछ स्पीड वीड भी इनका बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से पुनेरी पलटन इन्हें भी एज अ बैकअप प्लेयर ट्राई कर सकता है, क्योंकि आपके पास इतने सारे प्लेयर्स होंगे और ये आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुनेरी पलटन इनके पीछे ऑक्शन में जा सकते हैं। अगले प्लेयर के बारे में बात करें तो नाम निकल के आता है संथापना सेल्वम का। अब संथापना सेल्वम के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूँगा, लास्ट ईयर से सीजन 7 में ही जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम में थे, बहुत साल जयपुर के लिए खेले हैं, और मेरे हिसाब से एक अच्छे प्लेयर है, बढ़िया ऑप्शन है, और इनके पीछे भी जा सकती है ये, क्योंकि लास्ट ईयर ये तामिल थलेवास की टीम
में थे वहाँ मौके मिले नहीं इनको, लेकिन ये एक बहुत अच्छे प्लेयर है मैं कहना चाहूँगा। ये तामिल के लिए डोमेस्टिक में खेलते हैं, एक्सपीरियंस बहुत है इनके पास, तो सब्स्टिट्यूशंस में इनका भी यूज़ कर सकती है पुनेरी पल्टन। तो ये सात प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें पुनेरी पल्टन ऑक्शन में टारगेट कर सकती है और यंग प्लेयर्स पे वापस यहाँ पे भरोसा दिखा सकती है। चलिए गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हमारा अगला जो ऑक्शन का वीडियो होगा, ऑक्शन टारगेट का, वो हमारी आखिरी टीम तामिल थलाइवास के ऊपर होने वाला है। चलिए गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर लेते हैं।